हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राहुल। वेलकम बैक टू कैड स्टाइलर्स एनएक्स कैम ट्यूटोरियल सीरीज। तो फ्रेंड्स, एनएक्स कैम के ट्यूटोरियल में आज हम बात करेंगे प्लंज मिलिंग के बारे में। ठीक है, तो हमारे पास प्लंज मिलिंग के लिए ये कंपोनेंट है और इसमें हम मिलिंग करेंगे। सबसे पहले तो हमें यहाँ पे सेट करना है एमसीएस। एमसीएस में आपको ध्यान रखना है कि जेड एक्सिस आपकी ऊपर वाली साइड होनी चाहिए और चाहे वो कहीं पे भी सेट हो, चाहे तो आप टॉप पे सेट कर सकते हैं चाहे बॉटम में सेट कर सकते हैं, बट मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज कि आपकी जेड एक्सिस जो है अपसाइड होनी चाहिए, एक्स और वाई एक्सिस इस साइड होनी चाहिए। ओके, देन वर्क पीस सेट करेंगे। वर्क पीस पे आपको दो चीजें सेट करनी है, डिफाइन करनी है। एक तो पार्ट डिफाइन करना है, पार्ट आपका कौन सा है, यहाँ से आप लिस्ट में से सिलेक्ट कर सकते हैं, पार्ट आपका ये वाला है, और ब्लैंक आपके पास कौन सा है, ये वाला है। मैंने इसको ऑलरेडी मॉडलिंग में बना के रखा हुआ है और जो स्ट्रोक है मैंने उसको ट्रांसपेरेंट किया हुआ है ताकि दोनों पार्ट अलग अलग दिखाई दें। आपके पास स्ट्रोक कौन सा है और एक्चुअल पार्ट आपको क्या चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्रिएट ऑपरेशन में चले जाएंगे, कंटीवर मिलिंग करेंगे। कंटीवर मिलिंग के अंदर हमने करना है प्लंज मिलिंग। लास्ट वीडियो में हमने किया था कैविटी मिलिंग, फिक्स कंटीवर किया था और कंटीवर एरिया किया था, और आज की वीडियो में हम करेंगे प्लंज मिलिंग। ठीक है, जिन्होंने कैविटी मिलिंग और फिक्स कंटीवर और कंटीवर एरिया की वीडियो नहीं देखी है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इन वीडियोस का लिंक मिल जाएगा, आप यहां से वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, आइए हम स्टार्ट करते हैं प्लंज मिलिंग और हम यहाँ से करेंगे कॉर्नर रफ भी करेंगे। ठीक है, प्लंज मिलिंग में देखते हैं किस तरह से मैन्युफैक्चरिंग करेगा। ठीक है, यहाँ से मेथड होगा हमारे पास रफ, वर्क पीस यहाँ से हो जाएगा। टूल हमने डिफाइन नहीं किया, हम अंदर जाके टूल डिफाइन करेंगे और यहाँ से भी आप टूल डिफाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे आपके पास ज्योमेट्री जो है वर्क पीस आ रहा है, तो यहाँ पे स्पेसिफिक पार्ट और ब्लैंक ऑलरेडी डिफाइंड आ रहा है। कट एरिया अभी जरूरत नहीं डिफाइन करने की, टूल हम डिफाइन करेंगे, हमें चाहिए एंड मिल का टूल चाहिए, चाहे तो आप 30 mm कर सकते हैं, टूल डिफॉल्ट ही रहने चाहिए, देखते हैं किस तरह से प्रोग्राम काटते हैं। फॉलो द पार्ट रहने दीजिए, टूल परसेंटेज सब कुछ ऐसे डिफॉल्ट रहने दीजिए। इसके बाद देखते हैं हम किस तरह से ये हमारा प्रोग्राम जो है वो जनरेट होता है। हमने टूल डिफाइन कर दिया, आप देख सकते हैं इस तरह से आपका ये टूल पाथ जो है वो जनरेट हो रहा है। रेड लाइन जो है वो काफी ज्यादा आ रही है यहाँ पे, मैंने आपको पहले ही बताया था पिछले प्रोग्राम्स में भी कि रेड जो लाइन है ये आपकी कम होनी चाहिए। इट मीन्स इसका मतलब है G0 पे टूल ज्यादा ट्रेवल कर रहे हैं। G0 पे टूल नहीं ट्रेवल करना चाहिए ज्यादा, क्यों, उसका रीजन ये है जब आप टूल को ट्रेवल ज्यादा करवा रहे हो तो एक्सीडेंट होने के रिस्क ज्यादा है। ठीक है, कोशिश कीजिए कि आपका टूल पाथ वो बने जहां पे G0 ट्रेवल कम करे। ठीक है, यहाँ पे इसको एक बार रन करके देखते हैं हमारे पास ये काम किस तरह से करता है, किस तरह से कटिंग करता है। एनिमेशन थोड़ी स्लो कर लेते हैं, 3D डायनेमिक यहाँ से ऑन कर लीजिए और यहाँ से एनिमेशन स्टार्ट कर दीजिए। इस तरह से आपके पास ये कटिंग हो रही है। आप देख सकते हैं इस तरह से आपके पास ये प्लंज करके कटिंग कर रहा है। ठीक है ना, एक बार में ये डेप्थ तक जा रहा है और कटिंग करते हुए जा रहा है। इस तरह से ये आपका पार्ट जो है वो रफ कर देगा। ओके, हम यहाँ पे कुछ चेंजेस करके देखते हैं। मैक्सिमम कट विड्थ कितनी आ रही है, 50% आ रही है, मैं यहाँ पे 75% कर देता हूँ। ओके, और यहां से इसका टूल पाथ जनरेट करके देखते हैं। यहां से हम क्या कर सकते हैं, फॉलो द पेरिफेरी भी कर सकते हैं। फॉलो द पेरिफेरी करके देखते हैं हमारे पास पाथ किस तरह से जनरेट हो रहा है। आप देख सकते हैं पहले के मुकाबले यहाँ पे अभी जो है G0 कम ट्रेवल कर रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन भी ट्राई करके देखते हैं, प्रोफाइल पे भी ट्राई करके देखते हैं किस तरह से हमारे पास, देखिए यहाँ पे बिल्कुल ही आपका G0 कम हो गया। इसको हम रन करके देखते हैं यहाँ से। इसने क्या किया, मुझे स्ट्रोक जो है ये वाला लेफ्ट दे दिया है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो है फॉलो द पेरिफेरी सबसे अच्छा ऑप्शन है।
तो यहाँ पे हम इसे ही यूज करेंगे। और चाहे तो इसे आप 75% कर दीजिए और इसे हम ओके कर सकते हैं यहाँ से। और सो आप देख सकते हैं ये जो है कॉर्नर्स को भी रफ कर रहे हैं, जो आपके पास लेफ्ट स्ट्रोक बचा हुआ है उसको भी रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, सो इस तरह से आपके पास प्लंज मिलिंग का प्रोग्राम बनेगा। ठीक है, सो नेक्स्ट अभी हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक नेक्स्ट ऑपरेशन यूज करेंगे कॉर्नर रफ का। कॉर्नर रफ में हम क्या करेंगे, सेमी फिनिशिंग करेंगे, ऑलमोस्ट ही फिनिशिंग के इक्वल ही होता है। तो यहां से हम क्या करेंगे, अगेन टूल लेके चलेंगे। टूल कौन सा लेके चलेंगे, थोड़ा सा छोटा लेके चलेंगे, हम 10 mm का टूल लेके चलते हैं। ओके, और यहां से हम इसे ओके कर देते हैं। देन हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है, फॉलो द पार्ट ही रखते हैं। और मैक्सिमम डिस्टेंस यहाँ पे 2 रहेगा, कट लेवल से यहाँ पे चेक कर लेते हैं हम कितना आएगा। ओके, यहाँ पे हमारे पास डेप्थ पर कट कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, हम यहाँ पे 1 भी रख सकते हैं। ठीक है, ओके कर लीजिए और यहाँ से आप जनरेट कर दीजिए पाथ को। तो आप देख सकते हैं इस तरह से आपके पास जो है पाथ वो जनरेट हो रहा है। तो काफी ज्यादा पाथ जनरेट हो रहा है क्योंकि ट्रेवलिंग यहाँ पे तो चाहिए नहीं, क्योंकि यहाँ पे कटिंग हो चुकी है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फॉलो द पेरिफेरी करके देखते हैं यहाँ से कि हमारा पाथ किस तरह से जनरेट होगा। देखिए यहां से भी हमारे पास क्या आ रहा है कि पाथ पूरे के पूरे पार्ट के ऊपर आ रहा है ना। मतलब टूल जो है वो यहाँ यहाँ पे पूरा ट्रेवल करेगा, और यहाँ पे हमारे पास मटेरियल है भी नहीं है, हमने प्लंज मिलिंग में रफ मटेरियल काट दिया हुआ सारा, बट टूल के अभी भी यहाँ पे ट्रेवल कर रहा है, पाथ दिखा रहा है उसको। तो पाथ दिखा रहा है तो मीन्स टूल ट्रेवल करेगा ही करेगा। सो ये सही प्रोग्राम नहीं है। सो हम यहाँ पे प्रोफाइल को चेक करते हैं। सो आप देख सकते हो प्रोफाइल में बिल्कुल सही ये कटिंग कर रहा है। ठीक है, तो प्रोफाइल में पाथ बिल्कुल सही दिखा रहे हैं, तो हमें इतना ही पाथ चाहिए और इतनी ही कटिंग करनी है। सो इसे रन करके देखते हैं हमारे पास पाथ किस तरह से कटिंग करेगा, ये टूल किस तरह से कटिंग करेगा। सो आप देख सकते हैं इस तरह से हमारे पास ये कटिंग कर रहे हैं। तो इसको थोड़ा सा फास्ट कर देते हैं, थोड़ा सा स्लो कर देते हैं, और आप देख सकते हैं यहां से ये बिल्कुल ही रिमूव हो गया। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ पे स्टॉक बिल्कुल मिनिमम रख सकते हैं और उसके बाद हम फिनिशिंग का एक प्रोग्राम और रन करेंगे। ठीक है, ओके, तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास जो है, देखिए कितना लेफ्ट रह गया स्टॉक हमारे पास। ठीक है ना, तो इसको भी रिमूव करना है। तो हम चेक कर लेते हैं हमारे पास स्टॉक कितना लेफ्ट रहता है। तो स्टॉक आप कहां से चेक कर सकते हैं, यहां से चेक कर सकते हैं, 0.3 mm हमारे पास स्टॉक लेफ्ट बचा हुआ है। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप आपको ये दोनों प्लंज मिलिंग और कॉर्नर रफ प्रोग्राम अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।